गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपनी क्लास यूकेजी में सब्जेक्ट हमारा हिंदी और आज हिंदी है। मैं जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ए की मात्रा। ठीक है, आप लोगों को बताया गया था कि जो स्वर होते हैं आ से आहा तक, ओके, तो उनकी कुछ मात्राएं होती थी, आपको बताया था ना। आपकी एक बार और हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे स्वर होते हैं आ आ आ की ई उ ऊ ऋषि, ओके। इसके बाद ए आए ओ आओ मात्राएं होती है, आपको बताया गया था। आप ये जो आप होता है उसको आप लोगों को बताया गया था कि इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, ठीक है। तो आ मात्रा, ई की मात्रा, ई ऊ ऊ ऋषि, ए आई ओ आओ, ठीक है, अंग और अहा। ये क्या है, ये आपकी स्वर जो अक्षर होते हैं वर्ण होते हैं ये मात्रा, ओके। तो आपको समझ में आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने बिना मात्रा वाले शब्द पढ़े थे, उसके बाद आपकी मात्रा वाले शब्द आपकी जो बुक है आप लोग जानते हैं ना, ओके। तो आपने आपकी मात्रा वाले की मात्रा, ई की मात्रा, उ ऋषि, ठीक है, ओके। आज हम क्या सीखने वाले हैं, स्वर अक्षर में आज हम लोग ए की मात्रा वाले जो शब्द हैं उनको हम पढ़ेंगे, ओके। तो हम अपना जो आज हम क्लास में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ए की मात्रा वाले शब्द, ओके। स्टार्ट करते हैं। मात्रा वाले शब्द, ठीक है। अब आपको समझ में आया ए की, ए की मात्रा वाले शब्द, ओके। आपका ए और आपको मालूम है ना ए की मात्रा क्या होती है, ओके। तो हम क्या करने वाले हैं, हम लोग ए की मात्रा वाले जो शब्द हैं ठीक है, क्या करने वाले हैं, ए की मात्रा वाले शब्द जिसमें ये आपकी बुक का पेज नंबर 31 और सब है, आपकी जो बुक है पेज नंबर 31, ओके, 31 पेज पर, 31 पेज पर आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मात्रा वाले शब्दों को हमें पहले तो पढ़ना है, देखना है कि इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं। सबसे पहले जब आप का में ए की मात्रा आपको समझाया गया था ना, 12 खड़ी आप लोगों ने पढ़ी थी, उसमें आप क्या पढ़ते थे, इसको के ए आ रहा ना, ए की मात्रा के, और जो हम खा में लगा देते हैं क्या करते हैं, के, गा में लगा देते हैं ए की मात्रा तो क्या करते हैं, गे, घा में लगा देते हैं तो क्या करते हैं, ए, पा में लगा देंगे पे, दा में लगा देंगे पनी मिजे, मा में लगा देंगे पनी मे, ओके। ऐसे जो हमारे व्यंजन है का से या तक उनमें जब हम ए की मात्रा को लगा
बनाते हैं तो इसका हम उच्चारण कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आप लोग यही सीखना है। ओके, इसके बाद जैसे आप लोग नाम है एक ही मात्रा को लगाते हैं तो आप उसका उच्चारण कैसे करते हैं, ने हम लगाएंगे एक ही मात्रा तो क्या करेंगे थे। ओके, शाम लगाएंगे शे शा ते, ठीक है, फार्म लगा देंगे कैसे इसका उच्चारण करेंगे फे। ओके, तो अब आपको बाग लगा देंगे तो कैसे पढ़ेंगे बे, वाक लगाएंगे बे, ठीक है। जैसे तो अब आपको समझ में आया कि हम एक ही मात्रा को जब हम व्यंजन अक्षों में व्यंजन वर्णमाला में हम एक ही मात्रा को लगाते हैं तो हम उसको पढ़ते उसका उच्चारण कैसे करते हैं। ओके, तो जैसे आप माँ में लगा लीजिए, जैसे बताया था ना क्या पढ़ेंगे आप मे, ठीक है, राम लगा लीजिए कैसे पढ़ेंगे दे, घाम लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे दे, खाम लगाएंगे तो आप क्या पढ़ेंगे खे, ठीक है, नाम लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे ने, ठीक है, आप उसका उच्चारण कैसे करते हैं वो चीज आप लोगों ने समझ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, देखकर आपको क्या करना है पढ़ना, ठीक है, आपको यहाँ पर चित्र बने हुए हैं और उन चित्रों को देखकर आपको बताना है कि इसमें एक ही मात्रा तो लगी है लेकिन चित्र देखकर आपको नाम भी बताना है। ओके, इसके बाद ठीक है, अब आपको आपको क्या करना है देखिए, ठीक है, देखिए और अब आपको बताना है आपको देखकर पढ़ना भी है और एक ही मात्रा को हम कैसे लगाते हैं आपको आपको ये चित्र यहाँ पर आपको समझ में आ रहे होंगे, आ रहे हैं ना बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये किस चीज के चित्र हैं। Thank you.
उसके बाद ठीक है, आपको ये जो चित्र है यहाँ पर आपको चित्र नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इन चित्रों को देखकर क्या है नाम बताएंगे कि ये चित्र किसके लिए हैं। ये जो चित्र बने हुए हैं इनमें हम लोगों ने क्या किया, एक ही मात्रा को लगाना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, क्या करना है, ये आपको चित्र दिखना है, ये किस चीज का चित्र, ये सेब का है। तो शादी जब हम एक ही मात्रा को लगाते हैं क्या करते हैं, व क्या करते हैं, शेब। ओके, फिर ये क्या है, केला। तो काम है हम एक ही मात्रा को लगाते हैं क्या करते हैं, केला, केला। और हम चार मात्रा का, इसके बाद ये क्या है, पेड़। तो का में एक ही मात्रा को लगाया, पेड़, पेड़। ओके, इसके बाद ये चीज की चीज है, बोतल है, ये है तेल की। आप इसमें घर देखेंगे का में एक ही मात्रा, तेल, तेल। ये क्या है, जलेबी, जलेबी। क्या है ये, जलेबी। इसके बाद ये चीज का आपको फूल दिख रहा है, ये जो है ये चमेली का। तो चमे की मात्रा में, चमेली। ओके, ये क्या है, करेला, जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं हो सकता, रे मामे की मात्रा और ला। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि ये जो चित्र बने हुए हैं इन्हें हम लोगों ने पहले क्या बताया, इनके नाम बताए। और इनका जब तुमने नाम देखा तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी मात्रा लगी हुई है, जैसे ये देखिए एक ही मात्रा। तो आपने चित्र देखकर नाम भी पहचाना और आपने क्या किया, इनके नाम भी पहचाने और आपने ये भी समझा कि ये जो चित्र बने हुए थे इनके नाम में भी क्या लगा हुआ है, एक ही मात्रा लगी हुई है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, जैसे श, धन, अ, धन, एक मात्रा, धन, र, आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें शब्द क्या है, जैसे अ, धन, अ, धन, र, र, धन, एक ही। अब आपको यहाँ पर क्या सीखना है, आपको बताए गए ये जो अक्षर है हमें टूटे हुए लिखना है, ऐसे लिखना है, अलग अलग लिखे हुए। ठीक है, तो अब आप समझ ही गए। ओके, वही करना है हमें, इन अक्षरों को, वर्ण को, वर्ण को जोड़कर लिखना। जैसे श, हमने शाही दिया, प, प,
पाठा को मुताबिक दिया और एक ही मात्रा को मानने पर एक ही मात्रा को चढ़ा दिया और वहां क्या बन गया छपेरा हमने लिख दिया छे एक ही मात्रा को हमने चढ़ाया था। क्या पढ़ेंगे इसको कपड़े क्या पढ़ोगे कपड़े। ऐसे ही आप देख लीजिए मान धन एक ही मात्रा धन ल। अब आप इसको कैसे जोड़कर लिखेंगे ओके। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम जब अक्षर हमें टूटे हुए होते हैं वर्ण टूटे हुए होते हैं तो उन्हें हम जोड़कर कैसे लिखते हैं ओके। तो अब आपके लिए वर्क भी है आपको कैसे इन्हें जोड़कर लिखना है ओके। अब आपके लिए जो वर्क है आप देख लीजिए कि आपका वर्क क्या है क्या हम करते हैं ओके। अक्षों को जोड़कर लिखेंगे ठीक है। अब आपको क्या करना है अक्षों को जोड़कर लिखेंगे जैसे धन एक ही मात्रा ला ठीक है। दूसरा है श धन एक ही मात्रा व यहाँ पर आपको जोड़कर लिखना है ठीक है। क्या करना है आपको यहाँ पर जोड़कर लिखना है के बाद धन ए धन ल धन ए धन ल ठीक है। इसके बाद र धन ए धन ये आपको शब्द आपको क्या करना है इन्हें आपको जोड़कर लिखना है ठीक है। तो ये आपका क्या है आज का एक्सरसाइज राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना हमको क्या करना है एक ही मात्रा में आप लोगों ने आज चित्र देखकर आप लोगों ने समझा है कि चित्र देखकर नाम बताइए आपने ये भी समझा। इसके बाद जो आपको अक्षर टूटे हुए हैं उन्हें जोड़कर कैसे लिखना वो भी आपने समझा। तो ये आपका वर्क है और आपको इसे कैसे जोड़कर लिखना है वो आपको समझ में आपको बस एक बार और हम लोग थोड़ा सा रीड करते हैं आगे तो जैसे अब आपको क्या करना है पढ़िए क्या करना है पढ़िए ठीक है। आपको कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जिसमें एक ही मात्रा का उच्चारण है और आपको कैसे रीड करना है ओके। Thank you.
इसमें क्या है, आप लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं, अब आप लोग इसमें जो है के की मात्रा वाले दो अक्षर वाले शब्द पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, वन टू कितने अक्षर वाले शब्द है, दो अक्षर वाले शब्द। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो अक्षर वाले शब्द आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके, किसकी मात्रा वाले, एक की मात्रा वाले। तो आप लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या मैं एक की मात्रा को क्या पढ़ेंगे, मेल। माँ मेल की मात्रा क्या पढ़ेंगे, मेल। और ला मेल, खा में एक ही मात्रा खेल और ला खेल। ठीक है, इसके बाद पा में एक ही मात्रा पे रपेल, ता में एक ही मात्रा पे लतेल, वा में एक ही मात्रा बे लबे। ओके, वा में एक ही मात्रा बे, ता में आ की मात्रा बे ता बेटा, मा में एक ही मात्रा मे, ला में आ की मात्रा को कैसे पढ़ोगे, मेला। का में एक ही मात्रा के ला केला। ओके, दा में एक ही मात्रा दे, खा में आ की मात्रा को कैसे पढ़ोगे आप लोग, देखा। व ना में एक ही मात्रा, तो आप कैसे पढ़ोगे, व ने बने। रा में एक ही मात्रा रे, खा में आपकी मात्रा, उसका उच्चारण आप कैसे करेंगे, देखा। ओके, तो आपको क्या करना है, आप सॉरी ए की मात्रा वाले जो शब्द में आज आप क्या कर रहे हो, आज आप लोग उसमें जो है ए की मात्रा वाले शब्दों में आज आप दो अक्षर वाले शब्द पढ़ रहे हैं। एक बार और हम सब फिर से रिवीजन करते हैं, रे लवे में लमे, खा में तो चरण कैसे करते हैं, के लपे, पे लपे, लपे, वे लपे, वे लपेटा, मे लमेला, के लपेला। ठीक है, देखा देखा, व ने बने, देखा देखा। तो आपको समझ में आया कि हम लोग कैसे एक ही मात्रा का उच्चारण करते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको जो कविता है वो एक बार हम लोग पढ़ते हैं, कि बार आप लोगों को क्या करना है, इस कविता को याद करना है। कैसे, रेल चली भाई रेल चली, छुप छुप करती रेल चली, रमेश बना इंजन देखा, राजेश महेश बने डिब्बे, रेल चली भाई रेल चली, छुप छुप करती रेल चली। ओके, आपको क्या करना है, आपको ये जो कविता है आपकी पेज नंबर 32 पर उसे आप लोगों को याद करना है। ओके, एक बार आपको फिर से पढ़ना है, रेल चली भाई रेल चली, छुप छुप करती रेल चली, रमेश बना इंजन रेखा, राजेश बने वो राजेश महेश बने डिब्बे, रेल चली भाई रेल चली, छुप छुप करती रेल चली। ओके, समझ में आया आप लोगों को। ओके, अब मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पर क्या करना, चित्र देखकर सही अक्षर पर आप लोगों को एक की मात्रा भी आपको लगानी है। कैसे आप लगाएंगे, जैसे देखिए अभी आपको चित्र देखकर नाम बताने थे, वैसे ही आपको क्या करना है, चित्र देखकर क्या करना है, चित्र देखकर सभी अक्षर पर आपको क्या करना है, एक ही मात्रा आपको लगाना है। ठीक है, एक मात्रा लगाएंगे। क्या करना है, चित्र देखकर आपको सही देखकर सही अक्षर पर सही अक्षर पर, ठीक है, इसकी मात्रा लगानी है, एक ही मात्रा जो है लगाना है। जैसे आपको यहाँ पर आपको जैसे ये चित्र दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, अब आपको यहाँ पर शब्द भी दिए गए हैं, अब आपको उस पर सही शब्द दिया गया है,
लगाकर आपको शब्द को पूरा करना है। जैसे दूसरा यह है आपको इस पर ये जो आपको शब्द दिए गए हैं इन पर आप लोगों को क्या करना है, इन पर आपको सही जहां पर सही जगह पर ये मात्रा एक ही मात्रा लग रही है वहां पर लगाकर आपको अक्षरों को पूरा कर पर शब्दों को पूरा करना। जैसे शब्द लिखा, अगर आप सामने लगाते हैं तो क्या बन जाएगा से और स वे, अगर बाम में लगा देते हैं तो क्या पड़ेंगे स वे सवे। ये चित्र किस चीज का है, सेब का। तो आपका सही शब्द का बनेगा जब आप सा पर एक ही मात्रा को लगा देंगे। बन गया आपका शाम एक मात्रा लगाए क्या बन गया शेर, ठीक है। इसके बाद ये क्या है आपको चित्र नजर आ रहा है, ये केला का है। अगर आप सा में एक ही मात्रा को नहीं लगाते तो इसमें भी नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से आप ही मात्रा लग गई। तो अब आप इसमें एक ही मात्रा कहाँ लगाएंगे केला, तो केला, ठीक है। इसके बाद ये क्या है करेले का चित्र है, ठीक है। तो अगर आप का को लगाते हैं तो केला, क्या पढ़ोगे केला केला। लेकिन जब आप रे को लगाते हैं तो क्या पढ़ोगे सर रे ला, ये सभी शब्द बन गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आप कैसे पढ़ेंगे क रे ना में के साथ आपसे मिलते हैं। ओके थैंक यू।